स्थान एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली, दिन 20 मार्च 1977 दोपहर का समय। इंदिरा गांधी और संजय गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अपने करीबी लोगों के साथ बड़ी ही बेसब्री से लोकसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। गांधी परिवार के सभी करीबियों को पूरा विश्वास है कि इस बार भी इंदिरा गांधी ही देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। संजय गांधी का यह विश्वास तो इतना ज्यादा पक्का है कि वो सरकारी अफसरों को आगे की योजनाओं के लिए आदेश देना भी शुरू कर चुके हैं। वैसे उनका यह विश्वास बेवजह भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने संजय गांधी को विश्वास दिलाया था कि चुनाव तो मिसेस गांधी ही जीतेंगी और वो भी अच्छे खासे बहुमत के साथ। शाम ढलते ढलते संजय गांधी का यह विश्वास डगमगाने लगता है और रात होते होते पूरी तरह टूट जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 1971 के मुकाबले 217 सीटें कम मिली थी। वहीं कभी मिसेस गांधी के करीबी रहे लेकिन अब उनके शत्रु नंबर एक बन चुके मोरारजी देसाई स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत चुके थे। उनके नेतृत्व में जनता पार्टी का अलायंस 345 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा था। इंदिरा गांधी के खेमे में मातम सा पसर गया था। एक सफदरजंग रोड पर दुख के साथ साथ सदमे का माहौल भी था और ठीक ऐसा ही माहौल दो और जगहों पर भी था। एक जगह थी नई दिल्ली में ही स्थित केजीबी की रेजिडेंसी और दूसरी थी हजारों किलोमीटर दूर मॉस्को में स्थित केजीबी हेडक्वार्टर्स, जिसको द सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। नई दिल्ली में केजीबी के मेन रेजिडेंट लियोनिद शेबारशीन को तुरंत मॉस्को बुला लिया जाता है। शेबारशीन को सेंटर के सामने सफाई देनी थी कि आखिर इंदिरा गांधी को जिताने के केजीबी के सारे प्रयास विफल कैसे हो गए। करोड़ों रुपया जो केजीबी ने भारतीय मीडिया में पानी की तरह बहाया था, उसका कोई सकारात्मक नतीजा क्यों नहीं निकला। आखिर केजीबी की प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा गलत कैसे हो सकती है। कांग्रेस इतनी बुरी तरह कैसे हार सकती है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। सेंटर जानना चाहता था कि केजीबी का अंदाजा इतना ज्यादा गलत कैसे हो गया। आखिर केजीबी भारत की आंतरिक राजनीति में आए इस बदलाव से इतनी ज्यादा चिंतित क्यों थी? क्या केजीबी और भारतीय राजनीतिक पार्टियों के बीच कोई संबंध थे? यदि हाँ तो ये संबंध किस प्रकार के थे और किस किस के साथ थे? केजीबी भारत के आंतरिक मामलों में क्यों और कैसे हस्तक्षेप कर रही थी, जानेंगे मित्रों के आर्काइव के पहले एपिसोड में। नमस्कार, जय मां भारती। केजीबी के फॉरेन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट FCD कहा जाता था। इस डिपार्टमेंट में एक सीनियर आर्काइविस्ट यानी के वरिष्ठ लेखपाल थे जिनका नाम था वसीली मित्रोकिन। इन्होंने लगभग 40 सालों तक केजीबी में काम किया और इस दौरान केजीबी द्वारा दुनिया भर में किए जाने वाले कोवर्ट और ब्लैक ऑपरेशन से जुड़े सभी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन्हीं के पास आते थे, जिन्हें ये आर्काइव किया करते थे। यही इनका काम था। इतने सालों तक केजीबी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते, केजीबी के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे मित्रोकिन का मन सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट विचारधारा से उठने लगा और 1992 में वो डिफेक्ट करके यूके आ गए। लेकिन वो अपने साथ ये सारे आर्काइव्स लाना नहीं भूले। इन आर्काइव्स में लगभग 1950 से लेकर 1990 के बीच केजीबी द्वारा अलग अलग देशों में किए गए क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस की क्लासिफाइड डिटेल्स थी। 1999 में MI5 के चीफ हिस्टोरियन क्रिस्टोफर एंड्रू ने मित्रोकिन के साथ मिलकर केजीबी के इन आर्काइव्स को आधार बनाते हुए पहली किताब लिखी, जिसका नाम है मित्रोकिन आर्काइव पार्ट 1। और 2005 में उन्होंने दूसरी किताब छापी जिसका नाम है मित्रोकिन आर्काइव पार्ट 2। अब ये किताबें छपने के बाद बिल्कुल वही हुआ जैसा कि सबको उम्मीद थी। दुनिया भर में हड़कंप सा मच गया और हड़कंप भी ऐसा मचा कि यूके, इटली और इंडिया में तो पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज तक बिठा दी गई। भारत के हवाले से मित्रोकिन आर्काइव्स में कई बड़े खुलासे और दावे किए गए। ऐसा दावा किया गया कि केजीबी के इंदिरा गांधी और कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे और केजीबी इंदिरा गांधी को चुनाव जिताने के लिए हर संभव सहयोग किया करती थी। यह दावा भी किया गया कि भारत में कम्युनिज्म को मजबूत करने के लिए केजीबी के एजेंट्स CPI और CPM के लीडर्स के साथ मिलकर काम करते थे और उनको हर प्रकार की मदद भी प्रदान करते थे। कहने का मतलब यह कि केजीबी सक्रिय रूप से
से भारत की आंतरिक राजनीति में इन्वॉल्व्ड थी। इस एपिसोड में आपके सामने मैं जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रस्तुत करूंगा वो मित्रों के इन आर्काइव पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 18 से लिए गए हैं। अब मेरे पास इस जानकारी की वैधता की पुष्टि करने के, जांच करने के ना ही कोई साधन है और ना ही कोई मार्ग। इन किताबों में किए गए दावे और खुलासे सच्चे हैं या झूठे ये बात मुझे नहीं पता। मैं तो बस ये सारी जानकारी आपके सामने एज इट इज बिना कोई छेड़छाड़ किए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बातें सच्ची हैं या झूठी इसका निर्णय करने में आप मुझसे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। 77 के चुनावी नतीजों के तुरंत बाद ही सोवियत मीडिया की टोन पूरी तरह बदल जाती है। सोवियत मीडिया इस हार का ठीकरा पूरी तरह इंदिरा गांधी के सर फोड़ना शुरू कर देता है। इज्वेजिया नाम का एक रशियन अखबार अपने संपादकीय में लिखता है, कांग्रेस पार्टी उन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा सफल रही है जहां वो सीपीआई के कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रही थी। सोवियत उद्देश्य साफ था कि कुछ भी करके सीपीआई को किसी भी प्रकार के दोष और जिम्मेदारी से बचा लिया जाए, जबकि सच्चाई ये थी कि इन चुनावों में सीपीआई का खुद का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। 1971 में जहां उसने 25 सीटें जीती थी, वहीं 77 में वो केवल 7 सीटों पर सिकुड़कर रह गई थी। लेकिन मॉस्को में सेंटर ये नहीं चाहता था कि दुनिया में ऐसा संदेश जाए कि कांग्रेस की हार के लिए सीपीआई किसी भी तरह जिम्मेदार है, और इसीलिए केजीबी इस हार के लिए मिसेस गांधी को जिम्मेदार ठहराने का हर संभव प्रयास करना शुरू कर देती है। केजीबी का दूसरा प्रयास था सीपीएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। जहां सीपीआई केवल 5 ही सीटें जीत पाई थी, सीपीएम ने 22 सीटों पर विजय हासिल की थी, और इसी साल जून में हुए वेस्ट बंगाल के चुनावों में भी सीपीएम के गठबंधन को विशाल जीत हासिल हुई थी। अब केजीबी सीपीएम के करीब तो आना चाहती थी, लेकिन उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी सीपीआई को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। मॉस्को से केजीबी रेजिडेंसी के लिए आदेश आता है कि अत्यंत सावधानी सहित सीपीएम के साथ कोवर्ट कम्युनिकेशन स्थापित किए जाएं। इस काम के लिए लियोनिद शबरशिन को केजीबी रेजिडेंट से प्रमोट करके केजीबी का डेप्यूटी हेड बना दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के एक वरिष्ठ नेता से उन्हें निर्देश मिलता है कि वो केजीबी के एजेंट्स को सीपीएम के नेताओं के साथ रिश्ते स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। केजीबी के फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट यानी कि एफसीडी की फाइल्स के अनुसार केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी ने सीपीएम के नेताओं से उनकी पार्टी पॉलिसी से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी। सीपीएम के साथ रिश्ते मजबूत करने के अलावा केजीबी की दूसरी बड़ी प्राथमिकता थी नई नवेली जनता सरकार के साथ भी रिश्ते बनाना। अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोरारजी देसाई मिसेस गांधी के ऊपर सोवियत यूनियन की कठपुतली होने का आरोप बार बार लगा चुके थे और ये भी कह चुके थे कि यदि उनकी सरकार बनी तो भारत और रूस की संधि रद्द कर दी जाएगी। लेकिन सोवियत यूनियन ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसको अच्छे से पता था कि अमेरिका और चीन भारत में उसका स्थान लेने को अति तत्पर बैठे हैं, इसलिए केजीबी किसी भी कीमत पर एंटी सोवियत शक्तियों को भारत से दूर रखना चाहती थी। 24 मार्च 1977 सोवियत पोलित ब्यूरो केजीबी के एक डायरेक्टिव को अप्रूव करता है जिसका टाइटल था भारत के लोकसभा चुनावों के नतीजों से संबंधित उपाय। केजीबी के इस ताजा डायरेक्टिव के दो प्रमुख उद्देश्य थे, पहला भारत और सोवियत यूनियन के बीच की मित्रता संधि को बनाए रखना, और दूसरा मोरारजी देसाई की जनता सरकार को कुछ भी करके चीन और अमेरिका की तरफ झुकने से रोकना। वैसे तो मोरारजी देसाई ने चीन और अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में काफी काम किया, लेकिन उसका इंडो सोवियत मित्रता संधि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। यह संधि अपनी जगह बनी रही। सोवियत यूनियन को जल्द ही समझ में आ गया था कि संधि तोड़ने वाली बात मोरारजी देसाई की केवल एक चुनावी दहाड़ थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संधि तोड़ने की दिशा में मोरारजी देसाई कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले थे, इसीलिए अप्रैल 1977 में एफसीडी एक नया रिवाइज डायरेक्टिव जारी करती है जिसका टाइटल था नई स्थितियों में यूएसएसआर को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के सत्तारूढ़ हलकों को प्रभावित करने के उपाय।
केजीबी के लिए मोरारजी देसाई की नई जनता सरकार में काम करना पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया था। जहां 1976 में केजीबी ने भारतीय मीडिया में 1980 न्यूज आर्टिकल्स प्लांट किए थे, वहीं 1977 में ये संख्या घटकर मात्र 411 रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मॉस्को में सेंटर अपनी लीडरशिप के सामने ये दावा कर रहा था कि मोरारजी देसाई को अमेरिका और चीन से दूर रखने में केजीबी सफल हो रहा है। जून 1978 में जब चौधरी चरण सिंह को मंत्री पद से हटाया गया तो केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी ने ऐसा दावा किया कि ये उन्हीं का किया धरा है। केजीबी के इन प्रयासों से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच दरार आई है। मोरारजी देसाई की सरकार में चरण सिंह ही एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे। वो लगातार अपनी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे और खुलेआम बयानबाजी भी कर रहे थे, इसीलिए केजीबी के अनुसार उनका जाना बेहद जरूरी था। उधर यूएसएसआर के पोलित ब्यूरो ने केजीबी को निर्देश दिए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को नया रूप देने के लिए वो मिसेस गांधी को प्रभावित करें, लेकिन सोवियत दूतावास देसाई सरकार को भी नाराज नहीं करना चाहता था और इसी कारण वो इंदिरा गांधी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बनाने से हिचकिचा रहा था। इसीलिए केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी इंदिरा गांधी के साथ कोवर्ट कॉन्टैक्ट स्थापित करने के लिए केजीबी के एक ऑपरेशंस ऑफिसर विक्टर शेरपाखीन को नियुक्त करती है। इस ऑफिसर को त्रुद नाम के एक रशियन अखबार के पत्रकार का कवर दिया जाता है और जब यह केजीबी का जासूस एक पत्रकार का चोला ओढ़े मिसेस गांधी से संपर्क स्थापित करता है तो मिसेस गांधी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक जासूस से बात कर रही हैं। मई 1977 केजीबी एक फंड की स्थापना करती है जिसका कोड नेम था डीपो। इस फंड का इस्तेमाल इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कमिटी फॉर डेमोक्रेटिक एक्शंस के फैसलों को प्रभावित करना था। इस फंड की स्थापना के केवल 8 महीने बाद ही 1 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी दूसरी बार कांग्रेस को तोड़ देती हैं। मिसेस गांधी और उनके समर्थक अपनी पार्टी को कांग्रेस आई का नाम देते हैं, जहां आई का मतलब था इंदिरा। उधर मोरारजी देसाई के जनता गठबंधन की नींव हिलना शुरू हो चुकी थी और इसका एक प्रमुख कारण शायद ये था कि इस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां केवल इंदिरा गांधी को हराने का साझा लक्ष्य लेकर साथ आई थीं। इसके अलावा उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। 3 साल बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और जनवरी 1980 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई 351 सीटों के साथ विजयी होती है। अपनी जीत के तुरंत बाद इंदिरा गांधी त्रुद के उसी पत्रकार विक्टर के साथ संपर्क साधने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि विक्टर मॉस्को वापस जा चुका है। मॉस्को में सेंटर चिंतित मन के साथ इंदिरा गांधी की इस जीत का स्वागत करता है। असल में केजीबी को संजय गांधी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 1980 की इस जीत के बाद संजय गांधी की ताकत अपने चरम पर थी और वो अब तक केजीबी के लिए बिल्कुल अभेद्य थे। वैसे तो संजय गांधी के खेमे में केजीबी ने अपने एक एजेंट को प्लांट किया हुआ था जिसका नाम था पुरी, लेकिन इसके बावजूद भी केजीबी अभी तक संजय गांधी को अपने अनुसार प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि जून 1980 में प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मृत्यु के बाद जहां एक सफदरजंग रोड पर मातम पसरा हुआ था, वहीं मॉस्को के सेंटर में जश्न मनाया जा रहा था। 1980 में बनी इस बार की इंदिरा सरकार के मॉस्को के साथ वैसे संबंध नहीं थे जैसे कि पहले हुआ करते थे। इसका एक बड़ा कारण था इंदिरा गांधी के सीपीआई के साथ बिगड़ चुके रिश्ते। जहां एक तरफ राइट तो इंदिरा गांधी के खिलाफ था ही, वहीं लेफ्ट भी उनकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। सीपीआई के कई बड़े नेता तो मिसेस गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक्स भी कर रहे थे। वो मिसेस गांधी के ऊपर मिराज फाइटर्स की डील में फ्रेंच सप्लायर से रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे थे और मिसेस गांधी को ये बात कतई रास नहीं आ रही थी। दिसंबर 1980 में सोवियत जनरल सेक्रेटरी लियोनिद ब्रेजनेव और डिफेंस मिनिस्टर मार्शल उस्तिनोव की भारत यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी सीपीआई के इन नेताओं की जमकर शिकायत करती हैं। वो सोवियत नेताओं से सीपीआई के ऊपर दबाव बना के उन्हें सीधा करने को कहती हैं, लेकिन जब ये दाव भी काम नहीं आता तो मिसेस गांधी बदला लेने का मन बना लेती हैं।
मई 1981 में इंदिरा गांधी कांग्रेस आई द्वारा प्रायोजित एक एसोसिएशन का गठन करती हैं, जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इस एसोसिएशन की स्थापना सीपीआई की इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी के प्रतिद्वंदी के तौर पर की जाती है। मिसेस गांधी के अनुसार अब समय आ चुका था कि भारत सोवियत मित्रता को ऐसे लोगों से बचाया जाए जो खुद को इस मित्रता का ठेकेदार समझने लगे हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी वर्ल्ड पीस एंड सॉलिडेरिटी नाम की एक संस्था की स्थापना भी करती हैं, जिसका उद्देश्य सीपीआई की संस्था वर्ल्ड पीस काउंसिल के प्रभुत्व को पूरी तरह खत्म करना था। सीपीआई की यह संस्था भारत में सोवियत एजेंडे का प्रचार करने का काम करती थी और ये बात मिसेस गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब केजीबी को यह डर सताने लगा था कि कहीं सीपीआई के साथ नाराजगी के चलते इंदिरा गांधी अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ा दें, इसलिए केजीबी भारतीय मीडिया में अमेरिका विरोधी न्यूज आर्टिकल्स की संख्या को बढ़ा देती है। भारतीय राजनीति को लेकर केजीबी कितनी दूर तक की प्लानिंग कर रही थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1981 से ही केजीबी ने राजीव गांधी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। संजय गांधी की मृत्यु के बाद अपनी मां की जिद पर राजीव गांधी आधे अधूरे मन से राजनीति में आ गए थे और इंदिरा गांधी उन्हें अपने राजनीतिक वारिस की तरह तैयार भी कर रही थीं। और केजीबी को पता था कि राजीव को जितनी जल्दी अपनी तरफ कर लिया जाए उतना ही उनके लिए अच्छा होने वाला है। जुलाई 1983 में राजीव गांधी मॉस्को के दौरे पर जाते हैं और वहां उनका अति भव्य स्वागत किया जाता है। इतने भव्य स्वागत को देख भारत में कुछ आवाजें उठने लगती हैं कि सोवियत यूनियन ने ही राजीव गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। उधर मॉस्को में राजीव गांधी के कानों में बार बार एक ही बात डाली जा रही थी कि पंजाब में चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट के लिए आईएसआई के साथ साथ सीआईए भी जिम्मेदार है। रशिया से वापस लौटते ही राजीव गांधी एक सार्वजनिक घोषणा करके कहते हैं कि अमेरिका पंजाब में दखलअंदाजी कर रहा है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की ही सिक्योरिटी में तैनात एक सिख गार्ड उनके ही आवास पर उनकी हत्या कर देता है। ये हत्या इंदिरा गांधी द्वारा पवित्र गोल्डन टेंपल में की गई फौजी कार्यवाही का प्रतिशोध थी, लेकिन केजीबी इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अगले ही दिन से केजीबी ये झूठा प्रचार करना शुरू कर देती है कि जिस गार्ड ने इंदिरा गांधी को मारा वो सीआईए के लिए काम कर रहा था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए केजीबी के एजेंट्स अलग अलग देशों में कार्यरत भारतीय डिप्लोमेट्स को नकली दस्तावेज भी सप्लाई करते हैं। 80 के दशक का अंत नजदीक आते आते अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का शीत युद्ध अपने ढलान पर था और यही कारण था कि केजीबी के लिए भारत का महत्व भी कम होता जा रहा था और इंडो सोवियत मित्रता कमजोर होना शुरू हो चुकी थी। इस जर्जर हो रही मित्रता के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम किया पीवी नरसिम्हा राव ने। अगस्त 1991 में कू के चलते यूएसएसआर टूट जाता है और इस मौके पर प्रतिक्रिया देते हुए राव बयान देते हैं कि ये उन सभी के लिए चेतावनी है जिन्होंने बहुत तेजी से बदलाव लाने का प्रयास किया है। नरसिम्हा राव के शब्द सोवियत नेतृत्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। हाउस अरेस्ट से छूटने के बाद सोवियत यूनियन के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचेव सभी वर्ल्ड लीडर्स को फोन करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को नहीं। केजीबी इतनी स्वतंत्रता और निर्भयता के साथ भारत की आंतरिक राजनीति में आंतरिक मामलों में क्यों और कैसे हस्तक्षेप करती रही, इसके संभव कारणों के ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन यदि मुख्य कारणों की बात करें तो पहला कारण शायद ये रहा कि हमारे देश के नेताओं के लिए हमेशा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा अपनी खुद की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। सीपीआई और सीपीएम के लिए भारत से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा कम्युनिज्म महत्वपूर्ण रहा है, उनके लिए अपनी विचारधारा सर्वोपरि रही है। और वहीं कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है कुछ भी करके कुर्सी पर बने रहना, पावर में बने रहना। सारी कमियों के बावजूद एक बात ऐसी है जिसके लिए हमें मिसेज इंदिरा गांधी की प्रशंसा करनी होगी और वो है उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मिसेज गांधी को इसका अच्छे से आभास था और इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत की एकमात्र इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW का गठन करवाया और उसको शक्तिशाली भी बनाया। बात जब R&AW के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आई तो सोवियत यूनियन के साथ करीबी रिश्ते होने के बावजूद भी उन्होंने
ने इस काम के लिए केजीबी को नहीं बल्कि मोसाद को चुना था। लेकिन 1977 में प्रधानमंत्री बनते ही मोरारजी देसाई ने सबसे पहले R&AW के बजट में 30% कटौती कर डाली, जिसके विरोध में R&AW के उस समय के चीफ श्री आर.एन. काव ने इस्तीफा दे दिया और यहीं से R&AW कमजोर होती चली गई। एक तरफ तो R&AW को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया था और वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले से ही आंतरिक राजनीति का शिकार था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह अपंग हो चुका था और परिणाम स्वरूप केजीबी जैसी एजेंसीज को भारत के आंतरिक मामलों में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के पर्याप्त मौके और स्वतंत्रता मिलती रही। मित्रों, किन आर्काइव्स के ऊपर आगे भी बात करते रहेंगे। आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर आपको आज का ये पहला एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।